उत्तराखंड की सियासत इस वक्त बेहद गर्मा चुकी है। आवाज 24/7 की खबर पर आज मुहर लग गई है। जी हां, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नैनीताल विधानसभा की पूर्व विधायक सरिता आर्या आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस नेत्री कांग्रेस के नजरअंदाज और उदासीन रवैये से काफी समय से नाराज चल रही थी। संजीव आर्य के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही सरिता आर्य के पार्टी छोड़ने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बीते रोज खुद सरिता आर्य ने मीडिया से कहा था कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो जरूर बीजेपी में शामिल होंगे। इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्माने लगी थी। बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। उधर कांग्रेस ने भी सरिता आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व विधायक सरिता आर्य मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं। इसके बाद नैनीताल से भाजपा सरिता आर्य को टिकट देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरिता आर्य ने कहा है कि वो बिना शर्त के बीजेपी में शामिल हुई है। उत्तराखण्ड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।